पिसना लेके आ गए पापा जी? हाँ, आटा है लबरहा से। हाँ। चक्की जो है हमारे गांव में नहीं चलती। दूध चावल नहीं? चावल नहीं बनाए दूध है। काम नहीं, इनको समझाना भी नहीं है। ये लोग किस चीज में भी दे रहे हैं, तुम लोग देख लो। मेरे माता पिता है, मेरे बहन परिवार के हैं, जैसे भी देते लेते हैं, मैं खा लेता हूँ, है ना? अच्छा अच्छा, किस चीज से लड़ाई झगड़ा करने से फायदा नहीं, जो भी पाओ भी खा लो, जैसे रह रहे हैं खुशी से रह रहे हैं, वो अच्छा। सुधारना के कह रहे हैं तो आके सुधारे, परस्पर खबा में भैया सबका आ जाए फैमिली। अरे फैमिली, आपको दिक्कत है? दिमाग जी कह रहे हैं कि आप आओ और हमें परस्पर के दो, हम खाएंगे। और क्या? सही बात है, भगवान जैसे दे रहे वैसे खा रहे ना। हाँ। अरे माँ जी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हो, आपके पास इतना दिमाग है, मैं आपसे बात करना चाहिए, उनसे तो बात ही नहीं करना चाहिए। और क्या है? हाँ। सही बात है, मेरी माँ के पास दिमाग। हाँ, कुछ तो है जिसको ऐसे ही खा रहा है तो हमारा उतने ही स्वाद आ रहा है ना। कटोरी थोड़ी स्वाद दे देगी, खाना देता है। बस 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 बस। तुम्हारा किया था यही सब्जी को कटोरी में डाल के खाओ, यही दाल लगेगी लगेगी यही तरह। पर वीडियो बन रहा है तो वीडियो में तो थोड़ा अच्छा लगेगा ना। लगने दो ना उनको, अच्छा कैसे खाना है, अच्छा जैसे है अच्छे ना। अच्छा, कोई तो ये कहेगा कि ये चूल्हा बना है, ये चूल्हे में बैठ के खा रही हूँ। अब तो चूल्हा बना है तो बना रहे, कौन मिटा देते हैं? दो चूल्हा है हमारे पास। चूल्हा तो सही बात है, बना रहे कौन सा मिटा देते? शाम का खाना दूसरे चूल्हे में बनता है। अभी इसको घर एक मंदिर की तरह होता है, अब घर के रहने वाले सदस्य भगवान की तरह होते हैं। हमारा घर ये मंदिर की तरह है और ये लोग भगवान की तरह है। सुनंदनी माँ जी, पापा, कौशल्या, ये सब मेरे लिए भगवान जैसे। अब लग गया है तो कैसे हाथ जोड़ जोड़ के भगवान जैसे कर रहे हो? अरे इसकी वजह से नहीं कर रहे हो, इसकी वजह से नहीं कर रहे हो, होते हैं। अरे सब अकल खुल जाएगी। अरे मेरी अकल खुली है माँ जी, आप ये कल थोड़ा सा सुधार लो, मेरी अकल सुधरी है, मैं भगवान जैसे मानता हूँ। तुम्हें मानते हो तो ठीक है, इसीलिए समझा कि तुम्हारी जिंदगी का ये सब जिसको समझाता हूँ। अगर गलत शब्द मैं बोलूंगा, अच्छे से सुनो समझो तब पता चलेगा। मैं ये सब सही है कहता हूँ कि खाना पीना थोड़ा सा इतने लोगों में जुड़े हुए, इंडिया है, नाम कैसे होता है, बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं? ऐसा कैसा नहीं है। अब हमारा देहात है, अलग तरह से रहते हैं वो, अलग तरह से रहते हैं वो। तो क्या चाहते हो कि देहात को देहात बनाए रहे कि शहर बनाए? शहर बन जाए। कैसे बनेगा? हमारे कहने से बन रहा, घर से बनेगा। अपने घरों में टीवी होगी, एलसीडी होगी, पत्नियां घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लेटरिन बाथरूम होगा, सब कुछ होगा, घर के अंदर सोफा किचन सब अंदर होगा। अब यहाँ सुबह से जगह लाए लोटा चढ़ दिए। तो भैया क्या करिए, अपने घर का सुधार ले, पूरे गांव का सुधार दिए। अपने घर का सुधारो तो तुम्हें देख के कॉपी करने की कोशिश लोग करेंगे, मानो मानो कि तो क्या चलता है। अच्छा, ऐसा है, मैं कहता रहता हूँ। सुनंदनी उनंदनी ये लोग सब अच्छे से पहनने ओढ़ने लगेंगे तो गांव की और भी लड़कियां बेटियां देख के तो कहे कॉपी से जैसे आदमी चलता है तो जो वीडियो में था हमारी कॉपी करेंगे क्या? ऐसे खाना खाएंगे? हाँ खाए तो खाते हैं। खाए कई बहने मुझे लगा के फोन करते हैं, कहती भैया जब तुम खाते हो खाने वाली वीडियो देख कर हम खाना खाने लगते हैं। गांव को शहर बनाना चाहिए।
सब समय आने पर बन जाए। तुम्हारे लड़के बच्चे शहर बनाएंगे। मैं जा इतनी कोशिश कर लूं। शहर में भी भिखारी घूमते हैं, गरीब घूमता है, ये मत समझना। शहर के राजा बनना चाहिए, गांव के राजा हो तो शहर के भी राजा बनना चाहिए, तब जीवन कहलाता। लीडर बन के रहना चाहिए आगे, मजबूत बन के जिंदगी में। शहर में भिखार गरीब नहीं रहता क्या? मजदूर लोग जाते नहीं है शहरों में? हमारे नती पोता बनेंगे तो क्या कहते हो कि पंचर सुधारते हुए दिखाई दे, 10 रुपया का पंचर साइकिल, दरक दरक की स्लिप, अब गुटका पानी, ये सब एक कंटेंट है। अरे भैया तो ज्यादा डायलॉग ना मार दे, तब मोर मुझे मुंडा खराब सो मैं कुछ कहा लग ऐसे आ करो करा था भैया मनते नहीं आ कहा ला समझा मान यही अरे कहा ला हमें समझा बता मैं समझाता नहीं हूँ। मैं समझाता नहीं। आगा आगा भैया जी ऐसे कहे हमारा जीतो तले हुआ आमंग आके लाख लाख से हमारे ऊपर डायलॉग मारा ला यही तो टैलेंट है, ये टैलेंट सबके पास नहीं होता है। अरे भैया सब पे पासा होता है, दिखाओ कोई ऐसा चढ़ता है हमारे खीर भी बनाएंगे बस वहाँ नहीं बकरा हमारे उसमें चढ़ता है। हाँ, जैसे बच्चा पहले जो पैदा होते हैं तो बड़ा वाला जो बच्चा रहे तो उसके जन्म वाला बकरा चढ़ता है। अच्छा। हमारे तुम्हारे सबके चढ़ता पटेल में, पटेल जाति में अपने जो यहाँ हमारे गांव के पटेल जाति में जो है बकरा शादी में भी चढ़ता है कहते हैं। हाँ। और जन्म लेगा तो वो लड़का होगा तो वो लड़का बड़े लड़के वाले में, दो छोटे में नहीं चढ़ेगी। हाँ। एक जो बड़ा लड़का परिवार का एक लड़का। हाँ, जो सबसे बड़ा होगा उसी में करेंगे। सो आपका बड़ा लड़का का है क्या? हाँ। बकरा बाकी है? हाँ, बाकी है शादी वाला। कब चढ़वा रहे हो? अभी इसी 14 को चढ़वाएंगे। ये जो मैं आऊंगा। हाँ ठीक है, मेरा निमंत्रण दे दीजिए। आपका निमंत्रण दे रहे हैं, और भी रिश्तेदार हमारे आएंगे। ठीक है भाई, खीर बनेगी, पूरी बनेगी, सब तो वो खा लेना चाहिए है ना। हाँ हाँ, प्रसाद है, प्रसाद है। और जिसको नहीं खाना है तो खीर पूरी और बढ़िया सब्जी बनवाएंगे, पनीर की तो घलवाएंगे। ठीक, वो देखो सामने बना हुआ है रोड वाला घर। हाँ। मुखिया जी का कारोबार यहाँ चल रहा है। थोड़ा देर में जाऊंगा अपने घर, मिलवाऊंगा फैमिली से वो क्या कर रही है, और मेरे ये घाव आव ठीक हो जाएंगे तो हम जाएंगे बाद में कुछ दिन के बाद लड़की देखने। बहुत सारी फैमिली को लग रहा होगा कि भैया जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो मैं आपको एक न्यूज टैप का बताता रहूँगा कि कब क्या हो रहा है। सो देखो मुखिया जी ने मुझे निमंत्रण दे दिया है पहले से कि भाई जिस दिन बकरा वकरा चढ़े कटे उस दिन आप हमारे वहाँ आना। सो सुबह से मुखिया जी का पूरा शाम तक का दिन और हम लोग कह देंगे दोबारा उस दिन और कहेंगे एक बार ही। अब आज तो मैं तो मान जाता हूँ एक बार और कहेंगे, मौके का और कीमत होती है। आज जैसे हमने कही दिया है उस दिन हम और कहेंगे क्योंकि समय की कीमत अलग होती है। सही बात। तो एक बार और किसी को भी मुखिया जी से जैसी फिल्म बनवाना हो हमसे तो हमसे बताए। हाँ। हम उसकी भी बना देंगे, बनवाएंगे। जैसे किसी का बर्थडे हो, जन्मदिन हो या शादी हो। अरे कैसे न बने यार माता दिन भाई, जिंदगी है बनेगा हो तो भाई। हुआ तुम्हारा भाई पागल जैसा रहा है, उसका नाम क्या है? मोहन। मोहन जी राम राम। उतना पागल नहीं है, राम राम करना जानता है और सब जानता है। सही है, जो है मैं अपनी पूरी फैमिली को बताना चाहता हूँ कि बागेश्वर धाम का भंडारा होने वाला है और जमीन में गल्ला बो चुका है। हाँ। भंडारा पूरे गांव का होने वाला है। तो ये जब गल्ला कटेगा उसके बाद बागेश्वर धाम का नाम का भंडारा खेरापति के स्थान में लगेगा। हम यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई के साथ जो है मीटिंग डील करने आए हैं। हाँ। देखने आए हैं भंडारा की। हाँ। जय श्री राम। और देखा है तो भाई हमने सोचा कि भंडारा तो करेंगे पूरे गांव के लोगों का, ट्रैक्टर वाहन आएगा तो यहाँ तो गल्ला है, यहाँ पे नहीं अभी भंडारा कर नहीं, सकते नहीं। तो जब गर्मियों में ये गल्ला फसल कटेगा तो हमारा भंडारा होगा पूरे गाँव की तरफ से और हमारी तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से, सब की तरफ से भंडारा होगा। ठीक है, करेंगे मस्त। करेंगे। जय श्री बागेश्वर धाम। जय श्री बागेश्वर धाम।
और ये मेरे वो दोनों भाई हैं, दोस्त हैं, जो मेरे साथ कैमरामैन में रहेंगे, वीडियो वीडियो बनाएंगे, अभी से ही मेरी शादी की वीडियो बनाएंगे बनाएंगे भाई। और ये शादी के बाद जो है ये यहाँ भंडारा होगा, और ये तो छोटा भाई है मेरा, तो सुहाग रात का वीडियो भी शूट कर सकता है। नया साल की तैयारी हो रही है, अभी से पूरे यहाँ पे कुटी बना देंगे हम लोग, और यहीं पे नया साल में हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी है। मुखिया जी, पार्टी होगा ना यहाँ पे नया साल में? हाँ होगा। हैं? हाँ पुष्पन भाई, हाँ होगा, पार्टी होगा भाई। मुखिया जी सही बोल रहा हूँ मैं? कहे मुखिया जी, तुम दे रहे हो सबको पार्टी, निमंत्रण दे दो नया साल के दिन, नया साल के दिन निमंत्रण दे दो सबको। सबको दे रहे, आप पार्टी दे रहे हो सबको? सबको बस देख लो, हमारे घर के सामने, रोड वाले घर के सामने ही दिन में है, नया साल के दिन मुखिया जी पार्टी दे रहे हैं, पूरी फैमिली को निमंत्रण है, आ जाना मुखिया जी की फैमिली जितने भी हो, आपको जो भी नया साल में जो भी पार्टी में चाहिए हो सब कुटी में हो गए। बनाओ भाई, झुग्गी बना दी? अरे देखिए मेन गेट, तत्काल देखो मुखिया जी की झुग्गी बन चुकी है, ये देखो मेन गेट है, इस झुग्गी में यहाँ पे नया साल के दिन पार्टी होगी। ये देखो गुड मॉर्निंग माँ जी, गुड मॉर्निंग, आज 3 तारीख है, हाँ। कौन जीतने वाला है बताइए? फूल जीतने वाला है। पक्का? पक्का। शायद नहीं जीता? जीता। और नहीं जीता तो गड़बड़ है, चलिए जीतेगा। कह रही है कि शिवराज सिंह जीत जाएगा और